साल 1999 में कैलाश पर्वत का एक ऐसा रहस्य खुला जिसने यह साबित कर दिया कि कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है। साल 1999 में रसिया के एक वैज्ञानिक ने ठान लिया कि वह कैलाश पर्वत की चढ़ाई करेंगे। उनका मानना था कि रहस्यमयी कैलाश पर्वत की सारी बातें झूठी है। उन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। कुछ समय बाद ही उन्हें लगने लगा कि वह सब बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहे थे। आगे का रास्ता दिख नहीं रहा था। हम सब वहीं भटक रहे थे और तेज ठंडी तूफानी हवाएं चल रही थी। और कुछ समय बाद हमें कैलाश पर्वत से नीचे उतरना ही ठीक लगा। नीचे आकर उन्होंने जो बताया, हम सब कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो ऐसा लगा हमारे शरीर के अंग कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब हम थोड़ी दूर पर पहुँचे तो हमें ओम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। ऊपर से एक ऐसा प्रकाश दिख रहा था जिसे हम देख नहीं सकते थे।